हेलो दोस्तों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। आज आप लोग को जो है ना बाबू, 25 महत्वपूर्ण, कितना 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को क्या करने वाले हैं आज आप लोग को बतलाने वाले हैं। साथ ही साथ इनका आंसर भी आप लोग को क्या करेंगे हम बतलाएंगे। तो जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, इस 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है ना पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। अध्याय का नाम है आपका, लेसन का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, यानी इस यूनिट से यानी इस अध्याय से हम 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतला रहे हैं। आपका काम है कि इन 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना, आंसर भी बतलाएंगे, ठीक है। जो 2023 में 10th बोर्ड परीक्षा देने वाले हो उनके लिए ये जो है ना वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पवन, कोयला, सूर्य या जल। तो आप सब को मालूम होना चाहिए अनवीकरणीय ऊर्जा जो है आपका पवन, सूर्य, जल नहीं है, ये कोयला जो है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कोयला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए आपके सामने है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी गोबर गैस को जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दे ले है, CNG है, LPG है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि गोबर गैस को जो है हम जैव गैस के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो का जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा, ठीक है। CNG, LPG और CO2 नहीं होगा, आपका जैव गैस जो है, गोबर गैस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव गैस, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर तीन भी आपके सामने है, देख लीजिए। सुरंगम किस राज्य को जल संग्रहण व्यवस्था है, यानी सुरंगम किस राज्य की, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन दिया है तमिलनाडु का, फिर आपका है कर्नाटक है। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए केरल हो जाएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। यानी सुरंगम जो है आपका किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो केरल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका तीन था, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा, ठीक है। तो इन चारों में से राइट आंसर आपको बतलाना है, आप हमें कमेंट करके इनका आंसर जरूर बतलाओगे, इन चारों में से राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, जैव मात्रा हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो चलिए इनका कमेंट करके आप आंसर हमें क्या करोगे बताओगे। क्वेश्चन नंबर चार, ये क्वेश्चन नंबर आपका चार है, इनका राइट आंसर आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, यानी जैव गैस का मुख्य घटक आपको बतलाना है कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब को मालूम होना चाहिए इनका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, आपका मीथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। तो जैव गैस का मुख्य घटक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर पांच का जो है ना, क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये काम आपका रहा, इनका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इनका राइट आंसर क्या होगा, इनका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोयला, CNG, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि इन चारों में से राइट कौन होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला या CNG या पेट्रोल या सौर ऊर्जा, ये चारों में से एक राइट है, तो आपका काम है इनका आंसर बतलाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। तो आप सब को मालूम होना चाहिए नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय ऊर्जा आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पांच ये छह हुआ, ये क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जैव मात्रा ऊर्जा जो है ऊर्जा स्रोत आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ आपका है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा को सीधे किसमें, विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सूखा सेल, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है मिस्टेक से दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं है, क्वेश्चन ये आपका है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सूखा सेल,
निप्पो सेल, एवरेडी सेल या सोर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोर सेल यानी डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, सौर सेल कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 10, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है, संगठक है। तो ये मैथेन है, तो मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। तो जैव गैस का संगठक आपका क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1.4 के डब्ल्यू प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो देख लीजिए ए, इस मान को आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, देखिए आपके सामने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। चिपको आंदोलन है ना लिखा हुआ, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था तो वृक्षों का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षों हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आपके सामने, टिहरी बांध लिखा हुआ है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में क्या, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है या किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तराखंड, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं, तो जीवधारी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवधारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वन संपदा का एक उदाहरण है, तो लकड़ी हो जाएगा इनका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर ये 16, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ये आपका 13 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन संपदा का एक उदाहरण क्या है, लकड़ी, मिट्टी, तांबा, एल्युमिनियम, तो होगा नहीं, तो होगा राइट आंसर क्या, वन संपदा में लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो सबों को मालूम होना चाहिए भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, यमुना नहीं होगा, बागमती नहीं होगा, कमला नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, भागीरथी। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर, तो भागीरथी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है, तो 78% याद रख लोगे वायु में जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा 78%। सीएफसी का पूरा नाम सबों को मालूम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलह का, सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। सोलह के बाद क्या होता है, 17 होता है, तो 17, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तब क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो आपको मालूम होना चाहिए कोयला, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, तो इनमें से कोई नहीं, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं जो है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 या 18 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद जो है आपका 20 हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 19, क्वेश्चन नंबर 20, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको मालूम होना चाहिए, आपका सी हो जाएगा, जैव संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो सन 1973 ईस्वी में, सन 1973 ईस्वी में, याद रखना चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई, सन 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 23 हो गया, तो आपका 24 हो जाएगा, 23 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। तो आज जितने भी क्वेश्चन जो है बतलाए हैं इस अध्याय से, ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो जितने भी 10th जो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। आज का क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद। जो चैनल पर नए उन बाबू से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।